हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको अपडेट देंगे यू ईयर टू के उस इंटरसेक्शन का जहां से हम जा सकते हैं बहादुरगढ़ की साइड। जी हां, ये पैकेज 5 है, 7 किलोमीटर लंबा ये पैकेज है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। फाइनल टच देने का काम इसमें हो रहा है। फिलहाल इसे बंद किया गया है, अदरवाइज ये पब्लिक के काम में आ रहा था। इवन गूगल मैप भी इसे शो कर रहा है और लोग यहाँ से आ जा रहे हैं। ये देखिए, अब हम जा रहे हैं मेन यू ईयर टू की साइड, क्योंकि ये पैकेज 5 का अपडेट नहीं है। ये अपडेट है इसके इंटरसेक्शन का कि यहाँ कितना काम इसमें हो गया है। नीचे देखिए, इसमें यहाँ बैरिकेड्स लगे हुए हैं, बंद किया हुआ है इसको। यही वाला कैरिज वे पहले ओपन था, जिस वजह से गूगल मैप इसे शो कर रहा है और काफी टाइम बचता है यहाँ से आने जाने में बहादुरगढ़ की साइड। तो अभी इसे बंद किया गया। और यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये कैरिज वे शायद शुरू में बंद नहीं है बहादुरगढ़ की साइड से, तो लोग यहाँ तक इसमें पहुंच गए हैं। एक ये देखिए, यहाँ निकलने की कोशिश में एक गाड़ी यहाँ फंसा दी है। अब यही होता है ना कि यहाँ से अब सोचने को होता है कि 5 किलोमीटर वापस जाना होगा, तो निकालने की कोशिश की होगी इन्होंने, तो गाड़ी इनकी यहाँ मिट्टी में फंस गई। बाद में जेसीबी की मदद से इसको निकाल दिया गया, टाइम लगा थोड़ा लेकिन निकाल दिया। कंपनी की साइड से ही जो जेसीबी मशीन है उन्होंने निकाल दिया। यहाँ देखिए, यहाँ इस पॉइंट पे ये जो बहादुरगढ़ स्पर है दिल्ली की साइड से, यहाँ बंद है ये, और लगातार इसमें गाड़ियाँ आ रही थी। काफ़ी गाड़ियों को मैंने डायरेक्शन दी कि भाई कहाँ से निकलना चाहिए, और मोस्टली जो गाड़ियाँ थी वो सभी थे दिल्ली से बाहर के लोग, जो खासकर एयरपोर्ट से आ रहे थे, टैक्सी वाले या द्वारका की साइड से जो लोग आ रहे थे। तो काफ़ी लोगों को मैंने वापस भेजा यहाँ से, लेकिन यह परेशानी की चीज़ है। और नाइट में इस एरिया में लोग ऐसे वापस जाएंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, बताने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ से हम आगे देखते हैं अपडेट की कितना काम इसमें हो गया है। बहादुरगढ़ की साइड से जब हम आएंगे, अगर हमें मुड़का की साइड जाना है तो लेफ्ट वाला जो रोड बनाया जा रहा है इसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ भी सब ग्रेडिंग का काम होना है। जो मिडल वाला पार्ट है ये द्वारका की साइड जाने के लिए काम में आएगा। हम इस पर गाड़ी चलेगी और हम यहाँ से राइट हैंड साइड मुड़ सकेंगे फ्लाईओवर से ही। उसके बाद में जो राइट हैंड साइड पर दिखाई दे रहा है, ये मुड़का की साइड से जो लोग आएंगे और जाएंगे बहादुरगढ़, उनके लिए। और उसके बाद सर्विस रोड है, ये वाला पॉइंट है जहाँ काम बचा हुआ है मिडल में। फ्लाईओवर जो दोनों हैं, यहाँ काम लेट शुरू हुआ था इस हाई टेंशन की केबल की वजह से। और अब देखिए, यहाँ मिडल वाला जो पिलर जो पेंडिंग था वो कंप्लीट हो चुका है। इस पर लास्ट टाइम हमने देखा था पिलर कैप नहीं थी, इस पर अब लगाई जा चुकी है। यहाँ देखिए, जो मोडका से और बहादुरगढ़ जाने वाला फ्लाईओवर है नीचे वाला, इसमें गर्डर्स भी लॉन्च किए जा चुके हैं दो, एक और यहाँ लगाया जाएगा। और ये लगा लो डेक स्लैब सिर्फ इसमें यही बचा है, उसके बाद ये फ्लाईओवर तो कंप्लीट हो जाना है। और बहादुरगढ़ की साइड से द्वारका जाने के लिए यहाँ पर गर्डर्स वहाँ लगाए जाने हैं। यहाँ देखिए, इसमें ये पिलर यहाँ तैयार है और इस पे नेक्स्ट मंथ में गर्डर लॉन्चिंग हो जानी चाहिए। उसके बाद ये फ्लाईओवर भी कंप्लीशन की स्टेज में आ जाएंगे। यहाँ से आगे ये फ्लाईओवर ऑलमोस्ट कंप्लीट है जो मुंडका से बहादुरगढ़ की साइड जाने के लिए बनाया गया है, और जो द्वारका की साइड में जाने के लिए है उसमें एक तो यही काम बचा हुआ जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, यहाँ पर इसमें गर्डर्स लॉन्च किए जाने हैं और यहाँ पे डेक स्लैब तैयार होना है, ये पार्ट इसमें बचा है। और यहाँ देखिए, नीचे सर्विस रोड की तैयारी भी हो गई है, तो ब्लैक टॉप इससे भी लगता है जल्दी ही हो जाएगा। और ये द्वारका की साइड जाने के लिए जो फ्लाईओवर है, इसमें एक मिडल में काम यहाँ भी हो रहा है अभी, इसमें भी डेक स्लैब का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वाला यहाँ कास्टिंग की जानी है अभी। यहाँ देखिए, काम हो रहा है और नेक्स्ट अपडेट में मुझे उम्मीद है कि ये तो कास्टिंग हो ही चुकी होगी और जहाँ गर्डर्स नहीं लगे वो भी लग जाएंगे।
इतनी ऊंचाई पे ये काम कर रहे हैं, गर्मी के अंदर, उमस वाले मौसम के अंदर बहुत मेहनत है इनकी भी। यहाँ से हम देखते हैं तो अब हमारी डायरेक्शन है द्वारका या गुड़गांव जाने के लिए। यहाँ देखिए व्हीकल्स कितने आ रहे हैं, क्वांटिटी देखिए, मतलब लगातार गाड़ियाँ आए जा रही हैं और वही है, वापस जाते हैं लोग देख कर कि ये बंद है। उम्मीद करेंगे जल्दी ही इसको पैकेज 5 वाले जल्दी इसे ओपन कर दें। इनके इंजीनियर हैं NHAI से मिस्टर भूपेंद्र राजपूत, उन्होंने बताया कि जल्दी ही इसको ओपन करेंगे ये लोग, कुछ काम हो रहे हैं और उम्मीद है दोनों कैरिज वेज को ही ये लोग ओपन कर देंगे आने वाले टाइम में। अभी लाइट्स लगा दी हैं इन्होंने, लाइट्स चेक हो रही हैं फिलहाल। अच्छा, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा मंगेशपुर ट्रेन वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सामने जो दिखाई दे रहा है ये है मंगेशपुर ट्रेन और यहाँ से ये इस फ्लाईओवर का पार्ट या ब्रिज, क्योंकि अगर ट्रेन के ऊपर से है तो इसको ब्रिज कहा जाता है, तो यहाँ पर पोर्टल बीम पे इसको सेट किया जा रहा है। गर्डर्स देखिए यहाँ पे सभी लॉन्च किए जा चुके हैं, ये शुरुआत में शायद 2 गर्डर्स यहाँ लगने अभी, हाँ जी यहाँ लगाए जाने अभी। उसके राइट हैंड साइड पे भी अभी 4 गर्डर्स पेंडिंग है, कुछ होगी टेक्निकल वजह, लगा देंगे ये भी जल्दी। उसका देखिए डेक स्लैब बनाने का काम यहाँ शुरू हो गया है, कुछ हिस्से में बनाया जा चुका है और कुछ पार्ट में काम शुरू है। इसमें देखिए काम बहुत है अभी, तो दिसंबर तक उम्मीद करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि काम सच में बहुत है अभी। गर्डर्स भी लगाए जाने हैं और एक अभी पोर्टल बीम भी बचा हुआ है नांगली नजफगढ़ रोड पर, उसके बाद में डेक स्लैब भी तैयार होना है, उसके बाद इस पर BBM का काम भी होगा, उसके बाद लोड टेस्टिंग भी होगी, सेफ्टी चेक्स भी होंगे, काफ़ी काम है अभी। ये देखिए यहाँ सभी जगह गर्डर्स लगाए जा चुके हैं, ये सामने है लेफ्ट में जय विहार, राइट हैंड साइड पे दिचाऊ एनक्लेव। यहाँ देखिए कितना शानदार काम किया है बिना किसी को डैमेज किए, ये NHAI की तारीफ है। इन्होंने अपना अलाइनमेंट इसलिए चेंज किया कि किसी को भी डैमेज ना हो और कोई डेमोलिशन की जरूरत यहाँ पर ना पड़े। यहाँ पे काफ़ी हिस्से में गर्डर्स लगाए जा चुके हैं और उसके बाद में नांगली नजफगढ़ रोड के पास एक पोर्टल बीम में भी काम बचा हुआ है, वो मैंने अपडेट आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। तो इस अपडेट से ये क्लियर है कि पैकेज 2 में अभी टाइम लगने वाला है, उम्मीद है कि दिसंबर तक पैकेज 2 भी कंप्लीट हो जाए। फिलहाल पैकेज 5 कंप्लीट है और अभी पब्लिक के लिए नहीं ओपन है फिलहाल के टाइम में, लेकिन आने वाले टाइम पे ये ओपन कर दिया जाएगा। अगर गूगल मैप से आप इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ से अगर रोहतक या बहादुरगढ़ की साइड जाना है तो यहाँ से मुंडका की साइड चले जाए, मतलब बिल्कुल सीधा मुंडका, ये लगभग 4 किलोमीटर है इस वाले पॉइंट से, और वहाँ से आप जा सकेंगे। गूगल मैप यहाँ से आपको अल्टरनेट रूट्स बताएगा गाँव के रास्तों से, वहाँ से ना जाएं क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं तो उनमें जाम लग जाता है। और नए हाईवे जो भी ओपन होते हैं उसमें स्पीड लिमिट का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि रॉन्ग साइड से भी व्हीकल्स आते हुए मिल जाते हैं, कई बार एक कैरेज वे खुला होता है तो उसमें भी दिक्कत हो जाती है, तो स्पीड लिमिट थोड़ी सी कम रखें जो सेफ रहेगा। ओके भाई लोग, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी आपसे नई वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।